अब चुनाव के शुरू से लेकर के भैया मतगणना तक जिला प्रशासन पूरा लगा रहा भैया, और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव की प्रक्रिया संपन्न रही, तो जिला प्रशासन का एक थैंक यू धन्यवाद तो बनता ही है। और का भैया देखा तो तुरंतिया भी बकायदा सर्टिफिकेट मिले के बाद धन्यवाद कर रहे थे जिला प्रशासन का। तरीके सुनो, नहीं बहुत बढ़िया चुनाव हुआ, ना कहीं हिंसा का कोई बात हुई, ना यहाँ पे कोई दिक्कत हुई, बिल्कुल बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छी तरीके से और समय के अंदर, समय के हिसाब से सारे काम यहाँ पे हुए हैं, तो प्रशासन को बहुत बहुत तारीफ। अब सांसद तनुज पुनिया की बात सुनी आपने भैया, अब तो बकायदा सांसद जी का जगह जगह स्वागत हो ही रहा है, मंदिरों में जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना भी कर रहे हैं और बकायदा बुजुर्गों का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। बाकी आपकी क्या रिकमेंड कीजिएगा, जिला प्रशासन ने भैया बहुत अच्छी तरीके से चुनाव प्रक्रिया को संपर्क कराया, तो DM साहब का और SP साहब का हम भी धन्यवाद करना चाहेंगे, पत्रकार खातर भी भैया बहुत बढ़िया व्यवस्था रहा है, वरना इतनी गर्मी में भैया इतना पसीना चूता कि पूछो ना। बाकी दूसरी खबर देख लो, बाराबंकी जिले के फतेहपुर क्षेत्र से भैया खबर है कि देखो समय देखो यहाँ तो बकायदा बवाला हुआ वाला रहा है, उका भैया हाय हल्ला मचे वाला रहा है कि बहुत बड़ा बवाला टल हुआ। मौके पर भैया पुलिस पहुंच गई, तहसीलदार और CO साहब भैया पूरा मामला संभाल ली। हम कल तनिक आपका बता दी कि देखो भैया ये फतेहपुर के निंदूरा के इब्राहिमपुर ग्राम पंचायत माँ पोखनी गाँव पर जाती है, जहाँ पर बहुत साल पुराना भैया मंदिर है दुर्गा माता का, और यह मंदिर में भैया मूर्ति रखी रहे जी का कोनो अराजकता तो खंडित कर देती है, जी के बाद भैया सुबह सुबह जब लोग देखती हैं तो भीड़ जुटे लगती है, माहौल खराब होता है उससे पहले भैया पुलिस पहुँच जाती है और पुलिस बकायदा भारी बल संख्या में पहुंचती है, तैनात हो जाती है, जिसके बाद बकायदा दोनों पक्ष का समझावा जाती है, तहसीलदार साहब और फतेहपुर के CO साहब सब जने बकायदा समझावती हैं, दोनों पक्ष शांत होती है और उसके बाद नई मूर्ति का यहां पर स्थापित किया जाती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, तुम देख सकती हो। इस दरम्यान भैया जो प्रभारी निरीक्षक हैं थाना के जगदीश प्रसाद शुक्ला जी बतावते हैं कि देखो भैया ऐसा है, 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो तनाव की स्थिति रहे उसका दूर कर दिया गया है, तो इन्हें पक्षण का समझा दिया गया है। हम कह लो तनिक आपका बता दी, बाकी आपकी कार्य कमेंट कीजिएगा। दूसरा खबर देख लो, हम मेला लगा है कहा भैया का देखा थे बढ़िया मेला वेला की तैयारी कर ली गई। हम कह रहा तनिक आपका बता दी कि बाराबंकी जिले भैया SP दफ्तर की तनिक आगे बढ़ जाओगे तो एक पीर बाबा की मजार पड़ जाती है, वहीं पर बकायदा उर्स के मौके पर मेले का आयोजन किया जाती है। इस दरमियान भैया जो कमेटी के सदस्य हैं, मजार कमेटी के सदस्य जनरल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद इस्माइल जी, ये बकायदा भैया पूरी साफ सफाई करवा दी ने, लाइटिंग की व्यवस्था करवा दी ने, जिसे बकायदा श्रद्धालु आवे बढ़िया दर्शन कर सकें का बात है। इस दरमियान आपका बता दी कि देखा था रिहानो दिखाई देते हैं, अरसदो रहा है और फैजान भी रहा है और अशफाक भी रहा है और तमाम भैया उनके व्यवहारी और उपस्थित रहा। बाकी दूसरा खबर देख लो, अब चाची मौसी पाँव लागी बढ़िया आशीर्वाद दे, कहीं हाँ हाँ ठीक रहो खुश रहो भैया, हम कहें घी का खातिर व्रत रखी हो, तो कहती हैं कि देखो ऐसा है पति की लंबी उम्र खातिर या वर सावित्री का व्रत रखा जाती है और बरगद के भैया पेड़ के चारों ओर घूमा जाती है, बढ़िया धागा बांधा जाती है। हम कह लो तनिक आपका बता दी कि देखो कोटवाधाम सब जने बकायदा महिलाएँ पूजा अर्चना कर रही थी बरगद के पेड़ की और वर सावित्री का व्रत मना रही थी। बाकी आपकी कार रिकमेंड कीजिएगा। दूसरा खबर देख लो, हम बन गए भैया बन गए, और का भैया यार सड़क खातिर तो काब था बहुत है हल्ला मचा और आखिरकार सड़क बन गई। हम कह लो तनिक आपका बता दी कि बाराबंकी जिले के भैया बड़ेल से जो पुराना वाला बाईपास नहीं है, ये बताओ भैया जो अंदर से रास्ता गई रहे बड़ेल वाली बाईपास की ओर, और कितनी खराब रास्ता रहा है या भैया कई बार खबर लगी तो उन्हें खबर का असर हुआ और देखा तो डामर की बढ़िया सड़क बन गई है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शंबा साहब को सुपर मिलेगी तो बेल आइकन जोर दबा देना।